अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। क्लास फाइव का लेक्चर है, यूनिट नंबर सिक्स है आप लोग का साइंस का, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। आज हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लुमिनियस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, डिफाइन किया था। वर्ड लुमिनियस का मतलब होता है ब्राइट, चमकता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी लाइट जो है वो डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी रोशनी नहीं देते, उनकी रोशनी शो नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है कि ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका आज का, डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग अक्सर चीज़ों को कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट थिंग्स हैं, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ट्रांसपेरेंट, वर्ड ट्रांसपेरेंट का बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, तो आज आप लोग इस क्वेश्चन में देखोगे कि थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउज ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो जाए जो अपने अंदर से अलाउ करती हैं, यानी गुजरने देती हैं ऑलमोस्ट ऑल लाइट, हर किस्म की रोशनी को, टू पास थ्रो देम अपने अंदर से। ऐसी दोबारा बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो कि अपने अंदर से रोशनी को पास आउट, पास थ्रो देम यानी गुजरने देती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इसका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दोबारा सुन लें, डिफाइन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट विच अलाउज ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रो देम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से तकरीबन हर किस्म की रोशनी को गुजरने देते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर क्वेश्चन चैप्टर का फोर क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक एक दूसरे के इन्वर्सिंग हैं। अगर ट्रांसपेरेंट में से जो है वो लाइट गुजर सकती है, तो ओपेक्यू में से लाइट नहीं गुजर सकती। ठीक है, यही बात को डिस्कस कर रहे हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट जो है वो, किसी तरह की भी लाइट जो है वो गुजर नहीं सकती, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है कि ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, टू थ्री फोर, तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखने भी हैं और इनको याद भी करने की कोशिश करनी है, और आगे फर्दर डेज में आपसे कॉपीज मंगवा के तो इंशाल्लाह चेक किया जाएगा। थैंक यू।